हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट ये जो टॉपिक है, इसका एक चैप्टर आपको आपकी क्लास की साइंस की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को वेदर एंड क्लाइमेट को बहुत डिटेल्ड में समझना है, वो प्लीज़ आप जा कर के मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखिए जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में है, और वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं साइंस में, वेदर क्या होता है? वेदर हमारे एटमॉस्फेयर की चेंजिंग कंडीशन है, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर हर घंटे या हर दिन चेंज होता है एक लोकल जगह पे, उस चेंजिंग कंडीशन को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी किसी एक जगह पे बहुत गर्मी हो रही है तो बड़ी इरिटेशन हो रही है, फिर नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं बहने लगी, बारिश होने लगी, तो आप घूमने निकल गए, ठीक है। तो वहाँ पे वेदर चेंज हो गया ना, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे अभी कल गर्मी लग रही थी और आज बरसात हो रही है, तो वेदर क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि क्लाइमेट आता है। क्लाइमेट क्या होता है? अब मान लीजिए किसी जगह पे, जगह ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लोकल जगह पे बहुत सालों तक, लगभग लगभग 25 साल तक वहाँ के चेंजिंग वेदर की स्टडी की जाती है। उसके बाद जो 25 साल बाद जो उस पर्टिकुलर जगह का एवरेज वेदर होता है ना, वो उस जगह क्या बनाता है? क्लाइमेट, ठीक है। जैसे राजस्थान हुआ, ठीक है, वहाँ पर 25 साल तक के 25 या 12 साल तक आपने क्लाइमेट की स्टडी हुई, फिर ये मालूम चला कि यहाँ पे इतने साल में जो मेन आप वहाँ का वेदर रहा है वो क्या रहा है? गर्म रहा है, बारिश बहुत ही कम हुई है, मोस्टली वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट रहा है, डेजर्ट टाइप का रहा है, ठीक है। तो हमने ये फिर बताया कि जो राजस्थान जैसे एरियाज हैं वहाँ पे एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ये यहाँ पे 10-12 साल से, 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया? हॉट एंड ड्राई, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक बहुत लंबे टाइम के लिए वेदर का एवरेज वेदर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं साइंस में भी कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज़ को जो मेजर उस इस चीज़ को मेजर जो करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, उसका टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे जो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट है अर्थ के केस में, तो वो क्या है? एयर है, ठीक है। तो एयर कितनी गर्म है या एयर कितनी कोल्ड है, ठीक है, इस चीज़ को जो मेजर करना है इसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर, ठीक है, क्या कहेंगे? टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर का डेफिनेशन इन केस ऑफ ज्योग्राफी हो जाता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आपकी एयर है उस वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर जैसा कि हम सब जानते हैं, इसको जो है हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेजरिंग यूनिट्स हैं, पर हमारे इंडिया में फिलहाल डिग्री सेल्सियस को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो एटमॉस्फियर का जो एटमॉस्फियर है उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर सुबह गर्म रहे और रात में ठंडा रहे, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का सिर्फ दिन और रात में ही नहीं चेंज होता है बच्चों, बल्कि वो सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। हर मौसम में टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे गर्मियों में पूरे 2-4 महीने 6 महीने टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हाई रहता है, गर्मी लगती है। फिर उसके बाद रेनी सीजन का मौसम आता है, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट होता है। फिर ठंडी का मौसम आता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, सब स्वेटर्स पहनते हैं तो पूरे 3-4-5 महीने ठंड पड़ती है, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से भी टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि सीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर एक जैसा रहेगा तो फिर मौसम किस बात का है ना? तो सीजन्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? टेम्परेचर के चेंज की वजह से होते हैं, समझ में आ गया। तो और सुबह भी देखिए, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है डे में भी चेंज होता है, नाइट में भी चेंज होता है, और सीजन्स में भी चेंज होता है, ठीक है। तो गर्मियाँ जो हैं वो विंटर से ज़्यादा हॉटर होती हैं, ओके।
अब जो है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर सॉरी फेनोमेना है जो इस टेम्परेचर को डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम इंसुलेशन। क्या कहते हैं? इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये टेम्परेचर के घटने या बढ़ने पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब ये इंसुलेशन होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि ये सन है, ठीक है, और ये सन गोल है और ये अपने चारों तरफ हीट रोशनी फैला रहा है जहाँ, और हीट दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? हीट दे रहा है, गर्मी दे रहा है। अब हमारी ये अर्थ है, ठीक है। अब जब ये हीट देता है बच्चों, आई एम सॉरी, ये हीट दे रहा है, तो इसकी हीट जो है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है। तो जितनी हीट जो है हमारी अर्थ रिसीव करती है ना, जितनी अमाउंट हमारी अर्थ रिसीव करती है वो सोलर एनर्जी को, हीट मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है। जो हीट हमें सन से मिलती है वो एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। और क्योंकि वो हमें कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है, इसलिए हम इस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। समझ में आ गया? हीट क्या है? ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्योंकि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? सन से, इसलिए हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है वो जितना भी सोलर एनर्जी पाती है उसको क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। जितनी जो हमारा सन है काफ़ी बड़ा है, तो जितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हमारे अर्थ के द्वारा रिसीव हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन, ठीक है। तो अब सन जो है वो हर डायरेक्शन में सोलर एनर्जी दे रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ही परसेंट हमारी अर्थ को मिलता है, बहुत ज़्यादा कम परसेंट, ठीक है। और इसी को कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। अब ये जो इंसुलेशन है बच्चों, समझो आप, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये जो इंसुलेशन है ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो ये इंसुलेशन का जो अमाउंट है, डिग्री है, वो कम होती है। मतलब जैसे हमारा ये सन है, और आपको पता है कि सन जो है उसकी जो सन सोलर एनर्जी है, सन रेज है, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए इक्वेटर पे जो भी रीजन्स लाई करते हैं वो गर्म होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ बढ़ते हैं या नीचे भी पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो सन की एनर्जी जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, ठीक है। इसका मतलब जो सन की एनर्जी कम मात्रा में पहुंच रही है, मतलब यहाँ पे इंसुलेशन कम हो रहा है पोल्स के साइड में। तो सबसे ज्यादा इंसुलेशन होता है हमारे इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव होती है। और सबसे कम हमारा इंसुलेशन टेम्परेचर जो होता है वो हमारा पोल्स पे होता है। क्यों सबसे कम टेम्परेचर पोल्स पे होता है? क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन का अमाउंट घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम मात्रा में सन की रेज पहुँचती हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पोल्स पे हमेशा 12 महीने खूब ज्यादा मोटी बर्फ जमी रहती है, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से आप कह सकते हैं कि पोल्स हमेशा स्नो से क्यों कवर रहते हैं? क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो सोलर एनर्जी होती है ना वो वहां पर कम रिसीव होती है, वहां का इंसुलेशन क्या होता है? वो कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। आपको जैसे पता है कि शहरों का टेम्परेचर विलेजेस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो बिल्डिंग्स में मेटल्स यूज़ होते हैं, जो कंक्रीट यूज़ होता है, जो एस्फॉल्ट की रोड्स बनती हैं, दिन में क्या हो जाती हैं? बहुत गर्म हो जाती हैं, और रात में यही गर्मी फिर रिलीज होती है, ठीक है। और तो और जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत क्राउडेड सिटीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है? वार्म एयर ट्रैप हो जाती है और इस वजह से सिटीज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
अब जैसा कि आपके बुक में यह मेंशन किया गया है कि हर एक चीज़ को हम मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर बनाया गया, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ पे या हम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो बैरोमीटर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बैरोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर। रेन गॉज से हम क्या मेजर करते हैं कि कितनी रेनफॉल होगी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और विंड वेन से हम क्या मेजर करते हैं कि हमारा विंड जो है किस दिशा में बह रही है। और ऐसे विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो है एनीमोमीटर, ठीक है। ये क्या मेजर करता है? विंड की स्पीड। समझ में आ गया? तो इस तरह से बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारे जगह के वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और एयर प्रेशर भी काफ़ी हद तक हमारे जगह, किसी भी जगह के क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करता है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।